ये सब क्या हो रहा है? हद हो गई। बीवी मुंह काला करा कर आई है और बजाय कि तुम इसको घर से धक्के मार के निकालो, तुम उसको गले लगा कर खड़े हो। ये इस घर में नहीं रह सकती, इसने हमारी इज्जत हाथ में मिला दी। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, हमारी बातें तो तुम्हें अब फजूल ही लगी क्योंकि तुम्हारे दीदों का पानी सूख चुका है। अम्मी, आपके बेटे ने आज सारी बिगड़ती की हदें पार कर दी, पैर की जूती को सर पे चढ़ाकर। अल्लाह ही खैर करे इसकी। भाई अब भाभी को लेके अंदर जाए, मियां आप इस वक्त होश में नहीं है, जाए आप। चलो। बड़ी बहन और अम्मी को बोलती हो कि होश में नहीं है? तुम्हारी जबान खींच के अगर मैंने मुंह से नहीं निकाली है ना, तो याद रखेगी तुम। जबान को लगाम दो तुम अपनी, इसको देख देख के ना उसके भी पार निकल आए हैं। मैंने तो उसकी खाली साइड लेती थी, अब उसी के साथ लटक गई है। बस इसी परेशानी में मैं घर से बाहर चली गई। जब मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझसे रहा नहीं गया था। आइंदा ऐसा मत करना। तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बेमानी, इसका अंदाजा मुझे आज हुआ। मेरे बिना ही नहीं, हम दोनों के बिना मैं बेटे को भूल गए। आज एक दिन और कम हो गया, जीशान आया था, मैंने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। गुड, बहुत अच्छा किया। उस लालची लड़के के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। और देखना, जब कुछ दिनों में इश्क का भूत उतरेगा ना सर से, तो मुझे लगता है मरियम के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे समरा बेटा, तुम ठीक कहती हो, ये रुपये पैसे दौलत में बड़ी ताकत होती है, बड़ा अट्रैक्शन होता है, और मुमकिन है कि वो दोबारा आए, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड यही रखना, ठीक है ना? डैड, मुझे लगता है कि मरियम का शोहर हमारे साथ पैचअप कर ले। नेवर, नेवर। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा कि किसी भी झोंपड़ी की ईंट महल की दीवारों को बदनुमा बना देती है। ठीक कह रहे हैं आप डैड, दुनिया की हर खुशी, हर रिश्ता, हर जज्बा सिर्फ पैसे का मोहताज है। मैं सोची थी कि मरियम ने जीशान से शादी करके बहुत गलत फैसला किया है, और उसके बगैर ये घर भी अब बहुत सूना सूना है। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। अम्मी ये देखें, इस नमक पर ऐसा दम करा कर लाई हूँ ना, खालिद को खिलाऊंगी और वो अम्मा अम्मा करना भूल जाएगा और फिर मेरे पीछे धूम मिलाता फिरेगा। ये नमक है या गीदड़ सिंगी? गीदड़ सिंगी का तो आपको मैं जादू दिखा कर ही रहूँगी। लगता है दामाद के कदम तो हमारे घर का रास्ता भूल ही गए। उसके सर से अपनी माँ का भूत उतरेगा तो उसको कुछ और याद आएगा ना। ऐसा दूध का असर तो मैंने कभी भी नहीं देखा, और एक है आपका दूध जो हमारा खून ही सफेद कर दिया है। अरे तुम्हारे जबान के आगे तो खंदक है खंदक। जो भी है, खालिद को मैं आज खाने पर बुला रही हूँ, अपनी बहू को कहे कि हाथ हिलाए और कुछ पका ले। तुमने दावत तो की है,
خالد آئے گا بھی؟ دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے امی جو اپنی اولاد کے لیے نہ تڑپے. بیویوں کو نخرے دکھائیں گے لیکن بچوں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے. ہلو. ارے رو کیوں رہی ہو, بات تو کرو. ایک مجبور اور بے بس ماں رونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے. صفیہ ہوا کیا ہے پہلے یہ بتاؤ مجھے. ارے دو دن سے بھوکی سو رہی ہے میری بیٹی. کیوں تمہارے میکے میں فاقے شروع ہو گئے ہیں کیا؟ ضد کر رہی ہے کہ پاپا کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاؤں گی. وہاں تم مجبور اور یہاں نہ جانے قدرت کو کیا منظور ہے. میں تو سمجھتی تھی کہ میرا تڑپنا نہ صحیح لیکن تمہیں اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں ہوگا. صفیہ بیٹی کے لیے میں زمانے سے بھی ٹکرا سکتا ہوں. تو ٹکرا جاؤ نا اپنی ماں سے. زمانے میں اور اماں میں فرق ہے صفیہ. زمانے میں تو جنگیز خان بھی تھا جو لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا تھا. تمہاری ماں تو لوگوں کی گردنیں دبا دیتی ہے. اچھا اچھا سنو, ابھی کسٹمر آ رہے, میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا تو تم آؤ گے نا, تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کرے گی. اور سنو, کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ. ہاں ہاں ضرور آؤں گا. اوکے خدا حافظ. مہارانی آرام ہو گیا ہو تو ذرا کچن تشریف لائیں گی آپ؟ جی. آج کیا پکائیں؟ بریانی پکا لو اچھی سی. پر کل ہی تو پکی ہے بریانی. جو کہا ہے وہ کرو, خالد کھانے پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے آ جاتی ہوں. خود تو سکون سے بیٹھی ہو نا اپنے سسرال میں. ہاں مجھے گھر بسانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے ہیں. خالد کو کھیر بھی پسند ہے, وہ بھی بنا لینا. ٹھیک ہے آپ سامان باہر نکال کے رکھ دیں گی, میں بس ابھی آ جاتی ہوں. میں تمہاری نوکر نہیں ہوں, خود کرو. کوئی نرالی ماں بننے والی نہیں ہو تم. عورتیں 10-10 کلو اٹھا لیتی ہیں. بتاؤ ابھی تک نہیں آیا. ارے ابھی تک تو وہ آ جاتا ہے. بھوک کے مارے میری تو جان نکل رہی ہے, کہاں جا سکتا ہے؟ اس سے بغیر پوچھے تو وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے. افشاں کو کہتی ہوں فون کرے. افشاں افشاں ذرا خالد کو فون تو کرو, کہاں رہ گیا؟ اماں بھائی دکان پر ہی ہوں گے, آ جائیں گے نا تھوڑی دیر میں. آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ بھوک کے مارے میری جان نکلے جا رہی ہے. تو آپ کھانا کھا لیں نا. ارے کیسی باتیں کر رہی ہو, ایسے کیسے کھا لوں کھانا؟ میرے خیال سے خالد کا فون آ گیا. ہلو. ہاں اے پاپا. بھائی تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کیا گول کھلاتا پھر رہا ہے؟ فرخان جا خیریت تو ہے نا؟ ارے خیریت ہی تو نہیں ہے آپا, خالد اپنی جھوڑو کے پلو میں بیٹھا ہوا ہے. ارے کہاں ہو تم؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرا خالد ایسا نہیں کر سکتا. ہاں ہاں بس رہنے ہی دو. یہ لڑکے شادی کے بعد بیویوں کے ہو جاتے ہیں اور اماں گئی بھاڑ میں. بات سنو, میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا بیویوں کی غلامی کرتا رہے اور میں دیکھتی رہوں. بس بھائی دیکھ لو, میں نے تو بتا دیا تمہارا بیٹا نکل گیا ہاتھوں سے. ہاتھوں کے طوطے نہ اڑا دیے نا تو میرا نام بھی رحمت نہیں. ہاں امی سب خیریت ہے نا, کیا ہوا؟ خیریت ہی نہیں ہے, جب رحمت زحمت بن جاتی ہے نا
तो बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है। आज फैसला होकर ही रहेगा। अरे मैं यहाँ भूख से तड़प रही हूँ और वो वहाँ अपनी बीवी को निवाले बना बना कर दिखा रहा है। आज तेरे भाई का वो हशर करूंगी, ये दुनिया देखेगी। बहुत मजे की। अरे क्या कर रही हो सफिया? सुबह से बना रही हूँ, खा लो। इतनी मेहनत करके बनाई है मैंने। और कौन बनाएगा? बस बस रोक दे। और बात सुन, खड़ा रही हो, जाइयो मत। तुम्हारी तबीयत और मूड ठीक हो जाए इसलिए मैंने डिनर का प्रोग्राम बाहर बनाया। अच्छा चलो, तुम ऑफिस से निकलो। कौन आ गया? अरे खोलो, नहीं खोलोगे? ये तुम्हारा तो मैं खोलो। अरे ओ बहुत खाली है। और तुम्हें पता है ना, ये पीछे शोर किस चीज का हो रहा है? पता नहीं। हाँ, पापा ने खालिद भाई को आज डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। आर के सुन की अम्मी आई है बाहर। देख दरवाजा खोल दे वरना रिक्शा लेके अंदर आ जाऊंगी। देखा बीबी को किसने बता दिया खालिद जाए? अरे पूरी पूरी ना करे, सूंघती फिरती है ऐसे। अरे जल्दी चुपका खालिद भाई को वरना आंटी हमें जल्दी बता दी। अरे यार तुम चुप जाओ, कपड़े जाओ ना जाओ। अरे अरे लेके जाओ कपड़े पे चुप जाओ। अरे चल जाओ। अल्लाह कैसे बेगैरत लोग हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। कमबख्त मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ छुपा दिया। एक तो अम्मी और आपा ने खालिद को घर बुला के खुद मुसीबत को दबा। ज़ीशान मैं बाहर जाके दरवाजा खोलूं? समझ नहीं आ रहा, अगर दरवाजा ना खोला तो रहमत आंटी हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, तुम रूम में जाके चुप जाओ। नहीं ज़ीशान, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाहर घर वाले मुसीबत में और तुम चाह रहे हो कि मैं कमरे में बैठूं। नहीं, तुम मेरे साथ फोन पे रहो, बल्कि होल्ड करो, मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। तुमके भी छुपन छुपाई खेल ले। अरे जाओ बेटा जाओ, क्या करें, क्या करेंगे हम? हाय हाय, लो तमाशा शुरू नहीं हुआ और आ गए तमाशा ही। अरे हटो ना। सलाम वालेकुम मम्मी। अरे कमबख्तों, तुम लोग सलाम दुआ रखने के काबिल का हो? ये बताओ मेरे खालिद को कहाँ छुपा के रखा है? अम्मी खालिद तो यहाँ पर नहीं है। अरे तौबा तौबा, वाह, झूठ बोलना तो कुछ तुमसे सीखे। हेलो हेलो मरियम, मरियम हेलो। अरे रहमत बहन बैठो तो सही थोड़ी देर। रिश्तेदारियाँ बनाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं तो पुरानी रिश्तेदारियां भी खत्म करके जाऊंगी। बताओ मेरा खालिद कहाँ है? मेरी बच्ची अफशा के दिल पर टाका डालकर दूसरे लोगों की झोलियां भरी जा रही है। तौबा रास नहीं आएंगी ये खुशियां। निकालो मेरे बच्चे खालिद को। अरे बल्कि तुम क्या निकालोगे, चोर और कमबख्त डाकू, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अम्मी अम्मी यहाँ पर नहीं है वो। अरे मुझे पता है, यही छुपा के रखा हुआ जल मुरीद खालिद को मैं खुद ही। बिल्कुल नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। मरा जा रहा है बीवी की मोहब्बत में, मरा जा रहा है। मैं उसको खुद ढूंढ लूंगी। ये देखो कैसी दावतें उड़ाई जा रही है। अरे मैं इसको तो पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी देखती हूँ। यहाँ होगा जरूर, अभी नहीं है। अरे मैं आज उसको ढूंढ दे रही हूँ झूठी। और मुझे सब पता है, मुझे इत्तला मिली है कि खालिद यही इसी घर में। मैं अभी देखती हूँ उसको। ये देखो यहाँ से भागा है कूदकर, यहाँ से भागा है। खैर घर जाके मैं उसको अच्छी तरह से खबर लूंगी, छोड़ो मुझे।
के चिराग से, ऊपर से उसको उम्मीद से देख लिया मरियम को, अब कैसे होगी जीशान और अफशान की शादी? तुम तो खाम खाम मरियम की जानी दुश्मन बनी। अरे अपने सास के मरने के लिए चिल्ला कटवाओ, कोई सफली इल्म करवाओ, वो मरेगी तो इस धरती से बोझ कम होगा। अब पहले ही उन दोनों की शादी करा लेती ना तो वो ही मेरी सास आज हम दोनों के आगे पीछे घूम रही होती। सब बर्बाद कर दिया। अच्छा ये रोना धोना बंद करो, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द है।